अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। ईद का दूसरा दिन है और हमारे घर में शादी है। मेरे भाई की शादी है, सस्सी के मामू की शादी है, सस्सी के फेवरेट मामू हैं। तो ये कपड़े हैं हमारे आज के, पास देख के दिखाओ। ये सस्सी का ड्रेस है और ये बहुत बहस के बाद हैदर ने ये मुझे खरीदने दिया है। कोई फैंसी ड्रेस नहीं खरीदने दे रहा था। और ये हैदर का ड्रेस है वाइट और ये रेड मेरा है। अच्छा, गर्मियां है ना, आप देखें जुलाई में शादी है और ये घाघरा और इस तरह की चीजें खरीद रही थी। मेरी जिद ये थी कि आपने कोई ऐसा सूट खरीदना है जो प्यारा भी हो और साथ ही साथ इसमें मेरा बच्चा जो है वो कंफर्टेबल भी रहे। वो बात भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो फैंसी होना चाहिए ना। ये अभी सस्ते सो के जाती है, इसके बालों में देखें बम फटा हुआ है। अभी मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तैयार करके। और मैंने भी थोड़ा सा सादे ही कपड़े रखे हैं। गर्मी है, गर्मियों में ना आप पहन सकते हैं कुछ, सारा पसीना पसीना आप हो जाते हैं, ना मेकअप कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी मेरी ऑयली स्किन है तो वो बह जाएगा। अभी ये देखें ये कितनी भयानक लग रही है और इसको मेकअप के बाद आप देखिएगा। या अच्छा, अभी आप कह रहे हैं मेरे बाल ऐसे क्यों बांधे हुए, क्योंकि मैं सिर्फ आगे वाले स्ट्रेट कर रही हूँ, हेयर स्टाइल मैंने बनाने। बाल मेरे बंधे हुए ही होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे से जो निकल गए थे सस्सी के बाद, अब वो आ गए तो वो सारे मुड़ जाते हैं। मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ। वैसे कह रही है मेरे बाल भी स्ट्रेट कर लो। बाल स्ट्रेट हो जाएंगे फिर उसके बाद। अभी तीन चार बजे हमने निकलना है। मैंने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि बड़ी फैमिली है और फिर एंड पे भागम दौड़ होती है। मैं और ससुर तो तैयार होके एसी में बैठ जाएंगे आराम से, बाकी फिर जो है आप लगे रहें। वैसे भी मैं पाकिस्तानियों की तरह नहीं हूँ, लेट पहुंची हूँ या लेट में जो, मैं तो कहती टाइम पर ही जाना चाहिए। पीछे से मेरा जो सबसे छोटा भाई वो हंस रहा है, उसको दिखाओ जरा। ये सस्सी का छोटा मामू है सबसे। कितने शाय हो रहे हो तो। अच्छा, ये मैं फिर यहाँ से बाल स्ट्रेट कर लूँ, फिर मैं आपको अपने फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि हम कैसे लग रहे हैं। गर्मी गर्मी बहुत गर्मी है, जुलाई की गर्मी है, बिल्कुल पसंद नहीं है गर्मियों में कोई भी फंक्शन हो, लेकिन कुछ वजह आप पैदा भी जुलाई में, जुलाई में पैदा होना पसंद था। मैं बड़ी अपनी मर्जी से पैदा हुई हूं। तो बंदा मशवरा दे देता है ना मामा पापा को। सस्सी देखो, सस्सी भी जून में पैदा हुई है, मामा भी गर्मी में आई है, सस्सी भी गर्मी में। ओके, तो ये जनाब मामा सस्सी की तैयार हो रही है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि लड़कियां जो हैं ये इतना मेकअप क्यों करती हैं, वो भी इतनी गर्मी में। इतना क्या मेकअप, देखो अब काजल ना लगाऊं, हल्का सा आई मेकअप, लिपस्टिक ना लगाऊं, ऐसे ही चली जाऊं। मैं तो ऐसे भी चली जाऊंगी, फिर लोग कहेंगे हाय दूल्हे की बहन को देखो कैसे आ गई है मोटा के। अभी भी बोलेंगे क्योंकि कपड़े मेरे बहुत सादा है, मुझे कोई मसला नहीं, कपड़े बिल्कुल मुझे पसंद है, लेकिन है दूल्हे की बहन, एक ही तो बहन है दूल्हे की। अब जैसे कि आपको पता है कि फीडिंग मदर हूँ मैं, लेकिन उस वजह से मैं बहुत तंग होती हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल कोई हैवी ड्रेसिंग नहीं की, वरना मैंने अपनी शादी का लहंगा पहनना था। बट सस्सी जो है वो घुसती मेरे अंदर है, बाबा के अंदर है, फिर उसको उठाओ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आप फिर कैसे कैरी कर सकते हैं इतना हैवी ड्रेस। फिर इसलिए चलो गुजारा करते हैं, अभी शौक पूरे करेंगे। अभी सस्सी के तीन मामू और रहते हैं, उनकी शादियों पे शौक पूरा करेंगे। यस, बस बंद कर दूं। हाँ जी, और भी कुछ बोलने? अपने आप भी दिखा दो कि तुम कैसे लग रहे हो बिफोर एंड आफ्टर। कैमरामैन को ये देखिए, ये मेरा बिफोर है और इंशाल्लाह आफ्टर भी ऐसा ही होगा। क्योंकि यू नो मेन आर नेचुरली ब्यूटीफुल, जी जी, दे डोंट नीड एनी मेकअप। और वो तभी दूल्हा मुझे पूछ रहा था कि मेंस जेल है और कोई फेस पे लगाने के लिए कुछ दे दो। ये ससी मुझे पीछे से पकड़ चुकी है। अच्छा वैसे मुझे एक चीज बताओ ना, अब जब डिजिटल दौर है और कैमराज और सारा कुछ है, आप लोग इतना तैयार होती हैं औरतें, हाँ इतना सस्सी खड़ी हो गई भाई, माशाल्लाह 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 सस्सी खड़ी हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लड़कियां जो होती हैं, आप लोगों का तैयार होने का अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि हमने फोटोज बनवाने हैं, फोटो बना के भी उसपे भी आप लोग चार चार फिल्टर लगा रही होती हो,
तो मेकअप का इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, सिंपल इसी तरीके की फोटो बनाओ, उसको ऐप के अंदर डालो और उसको उधर से ही ठीक कर लो। नाजरीन मैं आपको आज एक राज की बात बताऊं, मैंने कभी कोई फिल्टर यूज नहीं किया। अगर अभी मैं विदाउट मेकअप हूं तो मैं आपको अभी भी ऐसी फोटो लगाऊंगी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे, अगर मेकअप किया तो तभी मैं वैसे की वैसे लगाऊंगी। तो आई ऑन माई कलर, आई ऑन माई कॉम्प्लेक्शन, आई डोंट लाइक फिल्टर्स। जैसी कह रही है मामा बस करो। इतनी मुझे नहीं पसंद भी नहीं ना मुझे लगाने आते। सैसे भी फिल्टर यूज नहीं करती, ऐसी तो है ही पारा बेबी। किसी भी खड़ी होगी किसी को देखेगी। क्लैपिंग फॉर सैसी। सैसी तो मीडिया सेलिब्रिटी है ना सैसी। चलिए फिर अब हम आपको तैयार होकर दिखाएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं। ये अभी हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। बाय बाय सैसी, बाय बाय बोल रही है। बाय 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 बाय। चलें तैयार होके आपको दिखाते हैं। आपको आसानी हो जाएगी, हम यहाँ से 10-11 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। वो ज़ियारत वाली बैरियर है वहाँ से होते हुए ये पुराना दुनिया रोड बना है, रेलवे लाइन वाला, वो पीछे पीछे 17 मीटर से होते हुए ना जी। अगर आप उस चौक में पहुंच जाते हैं तो चौक करेंगे, चौक जाएंगे। अगर आप माता जाने का जगह भी नहीं आपको। सो दिस इज आवर फाइनल लुक। वो बस आ गया कि बनवाई का इसको देखें, ये कैच लेगी, ये कैच मेरा कान कैच लेगी। ये हमारी फाइनल लुक है। नहीं तो अभी अगर आप रेडी हैं तो आप अंदर आ जाएंगे। और शोर है बहुत ज्यादा क्योंकि सब तैयार हो रहे हैं।